कल वाणी चल रही थी 9 अक्टूबर 1966 की पेज 2 के मध्याद में बात चल रही थी। वाम मार्ग में जाने से खुशी कम हो जाती है और धन भी कम हो जाता है, क्योंकि उस समय कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम हो जाती हैं, सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती रहती है। सतो जी है, रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं, सतो से रजो में आने में भी पहले सतो रजो तमो होगा, तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरेंगे, एक साथ एक दम उतरना नहीं होता है, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं। कला कमती होती जाती है, जब कलाएं कम हो जाती हैं तो खुशी भी कम हो जाती है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सतो से रजो में आते हैं तो फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते आते हैं। कला कम होती जाती है, अभी जंप करना है, तमो प्रधान से एकदम सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी दिया हुआ है और गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाखे अमृत रस। अचानक काम की चमाट लग जाती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड गुड टूट जाती है। कोई मनुष्य होते हैं अपना ही जीव घात कर लेते हैं, आत्मघात तो होता नहीं है क्योंकि आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है, जीव घात कहा जाता है। कोई को मरना होगा, सेंसिबल होगा तो एकदम ऊपर चोटी से कूदेगा, समझेगा 2-3 मंजिल से गिरे और नहीं मरे तो भोगना भोगनी पड़े, सारी लाइफ ही खराब हो जाएगी। और समझदार होगा तो समुद्र में जाए कूद पड़ेगा और ऐसा काम करेगा जो कोई देख भी नहीं सके। कोई तो रेल के सामने जाकर के अपने को खत्म कर देते हैं, यहां तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है क्योंकि बाप से ही बादशाही मिलती है। तो अपन से पूछना है हमने बाप को याद करके कितनी भविष्य की कमाई की और कितने अंधों की लाठी बना। जितनी सर्विस करेंगे उतना ही ऊंच पद पावेंगे। घर घर में पैगाम देना है, ये पुरानी दुनिया बदल रही है और बाप नई दुनिया के लिए राजयोग दिखलाए रही है। सीढ़ी में सब कुछ दिखाया है, ये सीढ़ी बनाने में भी मेहनत लगती है, तो सारा दिन ख्याल चलता रहता है ऐसे ऐसे सहज सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। इन बातों को समझने के लिए सारी दुनिया तो नहीं आवेगी, क्यों और से चित्र की बात हो रही है, सीढ़ी के चित्र में समझने के लिए सारी दुनिया क्यों नहीं आवेगी? संगमयुक्त बाप को नहीं पहचानेगी, क्योंकि सीढ़ी का चित्र खास है भारतवासियों के लिए,
जो 84 का चक्कर लगाते हैं, जिनको 84 का चक्कर लगाना ही नहीं होगा वो सीढ़ी के चित्र में जास्ती समझ नहीं सकेंगे। तो जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो ही आवेंगे। कौन होंगे देवी देवता धर्म वाले? कितने जन्म लेने वाले होंगे? जरूर 84 जन्म लेने वाले होंगे। ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले ही सीढ़ी के चित्र को अप्रिशिएट करेंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं तो शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबकी सदगति दाता आवेगा, ये भी समझते हैं जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी और हम भी जाकर के ज्योति ज्योति समा जावेंगे। अब ज्योति ज्योति समाती है क्या? आत्मा ज्योति परम पिता परमात्मा की ज्योति में हमेशा के लिए समावेगी क्या? आत्मा तो अविनाशी कही जाती है। जब अविनाशी है तो उसका अस्तित्व तो हमेशा के लिए समाप्त कैसे होगा? दूसरी बातें बनाई दी है, ऐसा कुछ है नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची कथा सुनाई रही, तो अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना चाहिए। वो तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र बनेंगे। बीच बीच में औरों की याद आती रहेगी तो विविचारी याद हो जाएगी। विविचारी याद होगी तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम मिल जाएगा। तो बच्चों को सर्विस में बहुत मेहनत करनी है। जैसे दधीचि ऋषि का मिसाल है, हड्डियां सर्विस में दे दी। कौन हुए दधीचि ऋषि? हैं? दधीचि ऋषि कौन हुए? बाबा ब्रह्मा बाबा। क्यों? उन्होंने हड्डियां दे दी, माना सूक्ष्म शरीर रह गया और इस स्थूल शरीर उनको मिलने वाला नहीं है। तो हड्डियां सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी ख्याल न करके सारा दिन सर्विस में लगे रहना, इसको कहा जाता है दधीचि मिशन, हड्डी सर्विस। एक है जिस्मानी सर्विस और दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नाले सुनाते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वो सब जिस्मानी है, वो तो शास्त्र सुनाते हैं, वो कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही आकर के सुनाते हैं, बताते हैं कि रूह किसको कहा जाता है और उसकी सेवा कैसे होती है। स्पिरिचुअल बाप है ना, वो ही आकर के स्पिरिचुअल बच्चों को आत्माओं को पढ़ाते हैं। वो आकर के पढ़ाते हैं तो राम राज्य हो जाता है। वहां राम राज्य में तो थोड़े ही होते हैं, सब थोड़े ही आ जावेंगे। न सब पढ़ेंगे, अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है। और ये नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बैठती है। एक जैसी नॉलेज सबकी बुद्धि में बैठ न सके,
तो बाबा सीढ़ी का चित्र करेक्ट कराए बनवाए रही। सीढ़ी में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाबा को ख्याल रहता है बच्चों को सीढ़ी का चित्र पहुंचाना है। मैगजीन में भी पढ़ सकते हैं। मशीनरी चाहिए उस गवर्नमेंट की, रोज अखबारें कितनी छपती हैं, कितनी कारोबार चलती है। यहाँ तो बच्चों को सब हाथ से बनाना पड़ता है। सीढ़ी का चित्र और सारे विश्व का भी चित्र बनाना है। बाप के थे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वो कहते हैं हमको तो विष चाहिए, मुंह चाहिए, लेकिन चित्र ऐसा क्लियर होना चाहिए जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम ही सतो प्रधान थे और सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने। फिर बाबा की याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। मनुष्य देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, क्योंकि ये नॉलेज तो कोई के पास नहीं है। कहेंगे सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? तो देखो वो और धर्मों का समाचार इस गोले में लगा हुआ है। वो दूसरे धर्म के लोग तो इस नई दुनिया में आते नहीं है, तो उनको तो सिर्फ शांति मिलती है। वो स्वर्ग की सुख की दुनिया में नहीं आते। जो भारतवासी थे वो ही स्वर्गवासी थे। भारत में वास करने वाले नहीं है तो स्वर्गवासी भी नहीं है। भारत में कौन वास करता है? खास भारत में वास करता है शिव। तो जो शिव सभी आत्माओं का बाप है, और जो जो अपन को आत्म की स्थिति में स्थित करते हैं वो पक्के बीज बन जाते हैं, और जो पक्के बीज हैं वो 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेंगे तो जरूर भारतवासी होंगे। बच्चे कहाँ के वासी होंगे? बच्चे तो बाप के घर के ही वासी होंगे। सुप्रीम सोल बाप भी भारत में आते हैं तो 84 जन्म लेने वाले बच्चे भी मन बुद्धि से कहाँ निवास करते हैं? बाप में निवास करते हैं। बाप तो आता ही एक व्यापी होकर के, सर्वव्यापी होकर के तो आता नहीं है। तो ऐसे बच्चों को सुख और शांति दोनों मिलती है। जो पक्के भारतवासी नहीं होंगे, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरे दूसरे धर्म खंडों में चले जाएंगे, वो सिर्फ शांति प्राप्त करेंगे। जीवन मुक्ति उनको सदाकाल की नहीं मिल सकती। हम तो जानते हो बाप भी भारत में ही आकर के राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वो खुद ही समझ जाएंगे। बरोबर इस दुनिया में पहले भारत ही था। गोले के चित्र में भी ये समझानी है, झाड़ के चित्र में भी ये समझानी है कि पहले सिर्फ भारत ही था। वो अपने धर्मों को भी समझ जाएंगे। बल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने के लिए। इस समय तो वो भी तमो प्रधान है, क्रिश्चियन धर्म वाले भी तमो प्रधान है,
तो ये रचयिता और रचना की बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, हम पैसे का क्या करेंगे। ये सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए ये चित्र भले छपाओ, इन चित्रों से ही काम लेना है। बड़ा हाल बनाओ जहां सब बच्चों को बैठ करके ये नॉलेज सुनाई जा सके, बाकी हम पैसा लेकर के क्या करेंगे। तुम्हारे घर का कल्याण होना है तो तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर के सुनेंगे, नॉलेज सुन करके बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम बाप के साथ योग लगावेंगे तो हमारे पाप कर्म भी भस्म हो जावेंगे, औरों के साथ योग लगावेंगे तो पाप कर्म भस्म क्यों नहीं होंगे। बाप के साथ योग लगावेंगे तो पाप कर्म इसलिए भस्म होंगे कि बाप कर्म बंधन से न्यारा है, और जितनी भी आत्माएं हैं वो सब कर्म के बंधन में आती है, कर्म का ले छेप लग जाता है। तो बाप ही आकर के ऐसा राजयोग सिखाते हैं कि कर्मेंद्रियों का बंधन न लगे, आकर्षण न हो, आकर्षण से इंद्रियां परे हो जाए। तो बच्चों के भीतर विनाश होते हैं, ऐसे बाप का सबको परिचय देना चाहिए। कैसे बाप का? बिंदी बाप का है, बिंदी बाप का सबको परिचय देना चाहिए। अगर बिंदी बाप का परिचय दे तो परिचय की तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो कहते हैं नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सब चाहिए तो परिचय पूरा होता है, समझ जाएंगे। ये नाले सिवाय गॉडफादर के और कोई दे नहीं सकता, पाप कर्म भस्म कराए नहीं सकता। कहते हैं खुदा ने ये सब रचा है, परंतु वो कैसे आते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर के खुश होंगे, खुश होंगे तो राजयोग सीखेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो बच्चों का सर्विस के लिए बहुत ख्याल चलना चाहिए, भारत में ये हुनर दिखावे। तो जो बच्चे हुनर दिखावेंगे बाबा उनको भारत के बाहर भी भेजेंगे, ये मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहां भी आ चुके काज होते हैं तो दो तीन वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितने बहुत कारीगर होंगे उतने जल्दी मकान बन जाएंगे, एक मास में मकान बनाई देते हैं। कारीगर बहुत होते हैं, सामान सारा तैयार होता है, फिर बनने में थोड़ी देरी लगती है। तो यहाँ भी बाप कारीगर तैयार कर रही है। बिलायत में मकान देखो कैसे बनते हैं, मिंटो मोटर तैयार होती है। तो देखो स्वर्ग में भी ऐसा होगा, स्वर्ग में कितना जल्दी बनते जावेंगे। सोना चांदी आदि तो तुमको बहुत मिल जाएगा, कहाँ मकान बनाने के लिए सोने की चीजें होंगी हैं? सोने जैसी चैतन्य ईटें होंगी, चैतन्य माना कहते ना, ये तो सोना आदमी है, सच्चा है। तो ऐसे ऐसे सच्ची सच्ची ईटें
संगठन रूपी किला बनावेंगे, खानियों से तुमको बहुत सोना चांदी मिलेगा, हीरे ले आते हैं ना, ऐसे हीरे अभी तैयार हो रहे हैं, कहाँ है? ज्यादा हीरे कहाँ तैयार होते हैं है? अफ्रीका में ऐसे हीरे अभी तैयार हो रहे हैं, हुनर तो सब सीख रहे हैं ना। साइंस का देखो कितना घमंड चल रहा है, ये साइंस फिर वहां तुम्हारे काम आवेगी, यहाँ सीखने वाले फिर वहां जन्म ले ये काम लावेंगे, उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है और ये रावण राज्य खत्म हो जाता है, असली साइंस तुम्हारे काम आ जाएगी। क्या है असली साइंस? बीज रूप स्टेज है, आत्मा बिंदु की याद है, ये असली साइंस है। जितने हम सूक्ष्म आत्मा बनते जावेंगे, बुद्धि एकाग्र होती जावेगी, तो प्रकृति सारा साज सामान तैयार करेगी, हमें कुछ भी करने की दरकार नहीं रहेगी। तो सारी दुनिया नहीं हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है, वहां पांच तत्व भी कायदे मुजब सर्विस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति एकाग्र हो जाती है, जब मनुष्य का स्वभाव संस्कार एकाग्र हो जाता है तो पांच तत्व भी अपनी जगह सेट करके सेट होकर के अपना कार्य करते हैं और स्वर्ग बन जाता है, वहां ऐसा कोई उपद्रव नहीं होता है, क्योंकि वहां रावण राज्य नहीं होता है। रावण राज्य नहीं होता है तो अनेक मतें नहीं होती है, अनेक मतें नहीं होती है तो किसी का मन बुद्धि चंचल नहीं होती, एकाग्रता आ जाती है। रावण माना ही दस सिर, दस सिर माने बीसियों दसियों मतें, मतें आपस में टकराती हैं, जब मतें टकराती है तो वाइब्रेशन टूटते हैं, वाइब्रेशन टूटने से प्रकृति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। प्रकृति तो जड़ है, मनुष्य आत्मा चैतन्य है, चैतन्य मनुष्य आत्मा जितना एकाग्रता की प्रैक्टिस करेंगी और संगठित होकर के प्रैक्टिस करेंगी उतना जड़ प्रकृति हमारा सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति बड़ी शक्तिशाली है, सात्विक स्टेज में भी शक्तिशाली है और तामसी स्टेज में भी शक्तिशाली है, लेकिन जड़ है, जड़त्व में अपनी ताकत नहीं होती है, आत्मा चैतन्य है, चैतन्य में अपनी ताकत होती है, चैतन्य आत्मा जड़त्व को कंट्रोल कर सकती है। पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, इनमें जड़त्वमयी बुद्धि है, जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण मनुष्य इनको कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि चैतन्य आत्मा जितनी ही चैतन्यता में होगी उतना ही दूसरों को कंट्रोल कर सकती है, और पांच जड़ तत्वों से परे रह सकती है। सूक्ष्म जितना बनेंगे, जितना एकाग्र होंगे उतना सूक्ष्म बनेंगे, सूक्ष्म आत्मा में
पृथ्वी के पांच तत्वों से परे होने की ताकत है। सुप्रीम सोल पृथ्वी के जड़ पांच तत्वों से बहुत परे होकर के रहता है। फिर और नंबरवार आत्मा है 500-700 करोड़, जो भी मनुष्य आत्मा है वो भी उतनी ही परे होकर के रहेंगी जितनी एकाग्रता उनमें होगी। तो अभी एकाग्रता की शक्ति जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना प्रकृति को कंट्रोल करेंगे। अनेक जन्म भी अपने शरीर की प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रकृति का पुतला श्रेष्ठ पुतला है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में जब अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, तो इससे साबित होता है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्रता से परे चली गई। तो सुप्रीम सोल बाहर आकर के अभी बता रहे हैं कि ये राजयोग की प्रक्रिया इससे अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, औरों की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं, ऐसी ऐसी पैथी चल रही है, वो सब वाइब्रेशन की एकाग्रता के ऊपर आधारित है। लेकिन सबसे ऊंचे से ऊंची पैथी बाप आकर के बताते हैं, वो है राजयोग। ये राज भरा हुआ है। रावण से योग लगाना और एक राम से योग लगाना। एक राम में बुद्धि रमी रहेगी तो बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र होगी, और जितना ही रावण के अनेक स्तरों में बुद्धि घूमती रहेगी, अनेक मतों को रिसीव करती रहेगी, उतना बुद्धि चंचल होती है। इसी में भी ये बात आई है, जितने जितने धर्म पिताएं आए उन्होंने अपनी अलग अलग मतें दी, महात्माओं ने अपनी अलग अलग मतें दी, उन अनेक प्रकार की मतों से बुद्धि भ्रमित होती गई। बुद्धि भ्रमित होती है तो एकाग्र नहीं हो सकती। अभी एक बाप आकर के बताते हैं कि मनुष्य मनुष्य को ऊपर उठा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य सब भिखारी बनते हैं। मैं आता हूं तो भिखारी मनुष्य को निर्विकारी देवता बनाता हूं। निर्विकारी देवताएं सब प्रकार के सुखों को भोगने के अधिकारी, प्रकृति स्वतः ही उनको सब प्रकार के सुख देती है, उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ता। स्वर्ग में कोई धंधे नहीं होंगे, कारखाने नहीं होंगे, कोई को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, कोई को दास दासी बनने की कोई ऐसी दरकार नहीं है, वहां कोई थकानी नहीं होगी किसी को। यहाँ तो इस दुनिया में थकान होती है, थकान इसलिए होती है कि आत्मिक की स्थिति नहीं रहती है, देहभान रहता है। देहभान में आने के कारण मनुष्य थक जाता है। अब ये प्रैक्टिस बाप कराए रहे हैं कि आत्मिक की स्थिति में रहने से देहभान खलास हो जाता है, देहभान खलास होने से थकान खलास हो जाती है। थकान नहीं रहेगी तो शरीर में बीमारी भी नहीं रहेगी। अभी प्रकृति और माया लास्ट चांस लेने वाली है। हम बच्चे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, माया रावण उतना ही तीखा होता जाता है। फाइनल पेपर में
माया भी चूकने वाली नहीं है और प्रकृति भी चूकने वाली नहीं है। प्रकृति के पांच तत्व और माया के पांच विकार अपना पुरजोश से काम करेंगे। उसके लिए अभी से अगर तैयार नहीं हुए तो हार हो जाएगी। हाँ, जो बच्चे सर्विस में लगे रहेंगे उन सर्विसेबल बच्चों को बात याद करते हैं तो उनको स्पेशल मदद मिल जाएगी। जैसे नैया डोलते डोलते थम जाएगी, कहते हैं ना नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे चाहिए। निश्चय बुद्धि होंगे तो चढ़ती कला में रहेंगे। चढ़ती कला की निशानी क्या होगी? चढ़ती कला सबका भला करने में लगी रहेगी, अपनी चिंता नहीं करेगी, सर्व की चिंता में रहेगी, सब आत्माओं का भला कैसे हो, हमारा पराया अपना कोई है ही नहीं, आत्मिक स्थिति रूहानी स्टेज माना आत्मा आत्मा भाई भाई। अगर ईर्ष्या देश आता है इसका मतलब आत्मा आत्मा रूह है, बाप का बच्चा नहीं बुद्धि में बैठा है। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि आत्मा आत्मा भाई भाई है तो किसी के साथ स्नेह है और किसी के साथ विद्वेष है ये ठहर नहीं सकता। अभी बाप कहते हैं अभी लास्ट चांस को गवाना नहीं है, अभी मालाएं तैयार होने वाली है। मालाएं तैयार होंगी तो उससे पहले का जो पीरियड है वो बहुत हड़कंप मचाने वाला होगा। अभी भी शांति चल रही है, इस शांति के टाइम में हर आत्मा अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर सकती है। ये चिंता नहीं करनी है कि अभी तक पुरुषार्थ में कुछ बढ़ोतरी तो हो नहीं पा रही है, पीछे ही हटते जा रहे हैं, स्वर्ग कैसे बन जाएगा? स्वर्ग बनाने के लिए कोई ऊपर से अलग से कारीगर नहीं आवेंगे। जो बाप के आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं वो ही संगठन तैयार कर रहे हैं। संगठन का किला ऐसा बन रहा है जिसमें कोई भी भिखारी प्रवेश न कर सके। अभी तो बाप की सभा में ऐसे लोग आ जाते हैं, भिखारी भी बनते रहते हैं, सामने आकर के भी बैठ जाते हैं, देखने को पता चलता है कि नहीं पता चलता है। बाप कहते हैं मुझे क्या दरकार पड़ी है एक एक को जानने की, जो जैसा करेगा वैसा पावेगा। वाइब्रेशन अगर संगठन में खराब होते हैं तो उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। बाप तो शिवालय बनाने आए हैं, शिवालय बनाने में जो सहयोगी बनेंगे उनको प्राप्ति होगी, जो सहयोगी नहीं बनेंगे वो प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। अभी नाई के बाल सब आगे आने वाले हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है।
अपने अंदर कोई बहुत चालाकी न समझे। बाप तो बहुत रमतू रमजवाज है, बाप तो हर आत्मा का कल्याण चाहते हैं। जो अपकारी है उनका भी कल्याण चाहते हैं, इनका भी उद्धार हो जाए। लेकिन उद्धार करने वाले पहले अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाएंगे। उत्तर हर, उत्तर माना ऊपर, हर माना हरण करके ले जाना। अगर बुद्धि लगातार ऊपर बनी रहे, जैसे हवाई जहाज में जाते हैं तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है, तो जिनकी बुद्धि ऊपर आम रहती है वो नीचे की बातों को छोटा छोटा समझेंगे, हल्का हल्का देखेंगे। इस दुनिया की परेशानियां, इस दुनिया की परिस्थितियां तो बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली है। लेकिन ये उपराम स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें कितनी भी परिस्थिति पहाड़ जैसी हो छोटी दिखाई देगी। और जब परिस्थितियां छोटी दिखाई देंगी तो उनके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिनकी बुद्धि उपराम नहीं रह पाती है, इस दुनिया में ही बुद्धि लगी रहती है, उनको बाबा चमगादड़ का मिसाल देते हैं। सर नीचे लटकता है, मन बुद्धि नीचे जाती है जमीन की ओर, तो जमीन की ओर बुद्धि जाती है तो जड़ तुम्हारी बुद्धि होती जाती है। जड़ तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी तो एकाग्रता नहीं आ सकती। एकाग्रता लाने के लिए बुद्धि को उपराम बनाना बहुत जरूरी है। उपमाना नजदीक भी कहा जाता है, समीप। किसके समीप? राम के समीप। ये बुद्धियों की एकाग्रता की बात है। अनेकों से बुद्धि हटाए, एक बात पे बुद्धि लगाना। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि साकार में नजदीक जाकर के बैठ जाना। साकार में नजदीक जाकर के बैठना और बुद्धि से बाहर वालों को याद करना, बाहरी दुनिया में बुद्धि ले जाना, वो तो और ही पाप बन जाएगा। भले शरीर से दूर रहे लेकिन दूर होते भी बुद्धि से नजदीक रहे। इसलिए बाबा कहते हैं मधुनवासी बनो। क्या कोई जरूरी नहीं है कि शरीर से ही मधुनवासी बने? गर्भस्थ में रहने वाले भी मधुनवासी होते हैं। बांधेली माताएं गर्भस्थ के बंधन में बंधे हुए होते हुए भी उनकी बुद्धि मधुवन में रखी रहती है, बाप की याद में रहती है। और सरेंडर जो है, जो अपने को समझते हैं कि हमने घरगार छोड़ा है, वो भले बाप के घर में रहते हैं, कंधे पर चढ़कर रहते हैं, लेकिन बुद्धि से अगर उपराम नहीं है, बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती है, तो अंत में वो दूर हो जाएंगे। अभी तो सब बच्चों को परमधाम वापस जाना है। कौन से परमधाम में है? निराकारी दुनिया में जाना है या इस सृष्टि पर जो निराकारी दुनिया बनेगी उसमें जाना है?
ये जो फैलाव फैलाया हुआ है ये छोड़ सकेंगे है? पड़ेगा जब पड़ेगा तो मजबूरी हो गई, वो तो खींच लिया तो खून बराबर, उसमें तो प्राप्ति होने वाली नहीं है। जो सहज सहज होता है वो प्राप्ति की चीज है। तो बाप अभी कहते हैं कि दुनिया के सारे धंधे दोरी अब चौपट होने वाले हैं, सब धंधों में नुकसान होने वाला है, तो उन धंधों से बुद्धि को खींचते जाए, क्या करें फिर? ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगाते जाए, प्लानिंग करें, ऐसी ऐसी प्लानिंग जिनकी बुद्धि में चलती रहेगी कि कैसे इस दुनिया से ऊपर आम हुए, तो वो निराकारी संगठन में पहले पहुंचेंगे। जो जितना जल्दी पहुंचेगा वो उतना ऊंचा नंबर लेगा। निराकारी बनने के ऊपर सारा मदार है। निराकारी बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे, अहंकार देह का नहीं रहेगा। देवताओं को देह का अहंकार होता ही नहीं, देह का सुख भोगते नहीं, वो तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं, ज्ञान इंद्रियों का। तो हम भी अपने अंदर झांक करके देखें कि हमारी अवस्था कहां तक बनती है। निराकारी स्टेज है, अमृत वेले हम कहां तक बना पाते हैं? अमृत वेला तो फाउंडेशन वेला है ना, जैसे संगम युग है फाउंडेशन वेला 84 जन्मों का, ऐसे ही हर दिन के पुरुषार्थ में अमृत वेला है फाउंडेशन वेला। दो से चार पौने पांच, उस समय खास ध्यान देना है कि आत्मिक स्थिति कितनी बनती है और कुंभकर्ण का वार कितना होता है। ज्ञानी आत्मा होगी तो उस पर छठा विकार ज्यादा वार करेगा, सुस्ती। ज्ञानी आत्मा नहीं है तो दूसरे विकार भी काम करेंगे। अलार्म में घड़ी में अलार्म लगाएंगे या उठ के बैठ जाए, उठ के बैठेंगे और काम विकार अभी हो जाएगा। पूर्ति न हुई तो क्रोध विकार आ जाएगा। तो माया ज्ञानियों को नहीं पकड़ती, इसको पकड़ती है अज्ञानियों को पहले पकड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं जो जितना ज्ञानी वो उतना बड़ा ठहरा। हम समझते हैं वो बड़ा पद पाने वाला है, तो रावण भी तो बहुत ज्ञानी था, तो उसने स्वर्ग में बड़ा पद क्यों नहीं पाया है? हाँ, ज्ञान का मतलब सुनना और सुनाना नहीं, अपने जीवन में धारण करना और उसकी धारणा मूर्त को देख करके दूसरी आत्माएं भी धारणा मूर्त बने। धारणा कोई बोल करके नहीं सिखाई जाती, न कोई उस धारणा को मानेगा। खुद बीड़ी पीने वाला हो और बच्चे से कहे कि बीड़ी नहीं पीना है तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। धारणा अपने जीवन में समाई हुई हो, तो जिसके जीवन में धारणा समाई हुई होती है
उस समाई हुई धारणा को देख करके जो भी आत्मा संसर्ग संपर्क में आती है वो धारणा मूर्त बनती है, और धारणा से फिर सेवा भी होती है। सेवा करने के लिए आत्मिक स्थिति बहुत जरूरी है। जितना जितना हम आत्मिक स्टेज में टिकते जाएंगे, थोड़ा भी बोलेंगे तो दूसरी आत्मा के ऊपर असर पड़ेगा। आत्मिक स्थिति नहीं होगी, जोर जोर से चिल्लाते रहो, नेताओं की तरह जोर जोर से भाषण देते रहो, कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो अमृत वेले की जो असली पुरुषार्थ की बात है वो अगर बुद्धि में बैठ जाए तो बाबा कहते अमृत वेला सुधारा, हमारा सब कुछ सुधारा। अमृत वेला चूके माना सारा दिन का फाउंडेशन बिगाड़ दिया। अभी जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता है, जो पावरफुल आत्माएं हैं उनका अमृत वेला सुधरता जाता है। जिन्होंने लंबे समय का पुरुषार्थ किया है उनका पुरुषार्थ रंग जरूर लाएगा। पढ़ाई है ना, पढ़ाई में जो जितना ध्यान देते हैं तो पढ़ाई उनका सहयोग देती है। ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई में जो जितना अलर्ट रहे। अभी तो स्थिति ऐसी होती जा रही है कि गीता पाठशालाओं में पढ़ने वाले 5 स्टूडेंट्स भी नहीं दिखाई देते। अगर कोई है भी तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं ऐसी हैं जिनमें ज्ञान तो बुद्धि में उतना नहीं ठहरता है लेकिन अपने नियम की पक्की है। नियम की परिपक्वता होने की वजह से उनको भी कुछ प्राप्ति हो जाती है। पांडवों के वाइब्रेशन और शक्तियों के वाइब्रेशन दोनों के बीच में पावरफुल कौन रहता है? क्यों? शक्तियों के वाइब्रेशन में पावरफुल स्टेज क्यों बन सकती है? क्योंकि प्योरिटी की पावर है। विजयमाला में प्योरिटी है तो प्योरिटी की पावर के कारण काम जल्दी सफल हो जाएगा। जो अभी मुरली में बोला कि मिंटो मोटर तैयार होगी, संगठन बनने में देर नहीं लगेगी। अभी संगठन बिखरते क्यों जा रहे हैं? गीता पाठशालाओं में पहले जो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे, अब वो गीता पाठशालाएं छीण क्यों होती जा रही है? इंप्योरिटी बढ़ती जा रही है तो यूनिटी टूटती जा रही है। भले संगठन क्लासेस होते हैं, उन संगठन क्लासेस में भी ज्यादातर बुद्धि तो धामा खाने की तरफ रहती है। कितना भी बताते हैं कि दो पैर को संगठन करो, जैसे ऑफिस में लोग जाते हैं तो 9 बजे खाना खा के जाते हैं, शाम को घर आकर के 10 बजे फिर 9-10 बजे खाना खा लेते हैं। तो हमारा तो भोजन कोई स्थूल भोजन थोड़े ही है, हमारी स्थूल पढ़ाई भी नहीं है, हमारी तो रूहानी पढ़ाई है। जिस्मानी पढ़ाई नहीं है तो जिस्मानी भोजन की भी दरकार नहीं है। लेकिन कितना भी बताया जाए बुद्धि फिर भी धामा खाने की तरफ भागती है।
क्योंकि भक्ति मार्ग में दो तरह के ब्राह्मण होते हैं, एक कथा पढ़ने वाले और दूसरे धामा बनाने और खाने वाले। माताओं को तो बहुत रस आता है। बाबा का भी क्लास होगा तो टोली लाके इकट्ठा करके रख देंगी, दो घंटे क्लास होगा और एक घंटा टोली खिलाने में जाएगा। परंपरा चली आ रही है ब्रह्मा कुमारियों से, टोली खाने और टोली खिलाने की, भोग लगाने की, तो परंपरा छूटती नहीं है। अरे हमारा तो भोग लग जाता है उसी समय जब हम भोजन बनाते हैं। बाबा की याद में भोजन बनाना और बाबा की याद में दूसरों को खिलाना और खुद खाना, ये हमारा ब्रह्मा भोजन हो जाता है। ब्रह्मा भोजन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि भोग आदि लगाए गए, पहले साकार बाबा को खिलाया जाए फिर हम खावेंगे। भगवान आता है तो स्थूल भोग का भूखा नहीं है। ये सब स्थूल बातें भक्ति मार्ग में उठाई लिए, भोगी और योगी रात दिन का फर्क है। इंद्रियां भोगी होती है तो योग नहीं लग सकता, और इंद्रियों में जितना जितना योग समाता जाएगा तो भोग की इच्छा ही नहीं होगी। भूख ही कम हो जाती है, सिर्फ भूख की बात नहीं है, खाना पीना सोना सब शॉर्ट हो जाता है। अभी तो दुनिया में जो भोजन मिल रहा है वो भी तामसी मिल रहा है, केमिकल्स का प्रयोग होने से सारे खाद्य पदार्थ तामसी बने हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, फ्रीज में रखे जाते हैं और बाहर निकालने पर तुरंत सड़ने लगते हैं, कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है, बदबू आना शुरू हो जाती, इसलिए शरीरों में बीमारियां बढ़ रही हैं। इतना हुजूम ब्रह्मा कुमारों का इकट्ठा हुआ और इतना हुजूम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का इकट्ठा हुआ, बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज, लेकिन ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हम अन्न शुद्धि के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। अन्न दोष और संग दोष, इनमें जब तक परिवर्तन नहीं आएगा बुद्धि सुधर नहीं सकती, बुद्धि का परिवर्तन नहीं हो सकता। बीकेज में भी और पीबीकेज में भी खेती किसानी वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, चाहे तो ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि हम केमिकल वाली खेती नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन जरूर लाएंगे। तो जो सब्जियां उगाई जाएं, जो फल फूल पैदा किए जाएं, जो अन्न तैयार किया जाए वो निरामिष होगा। कीड़ों वाला भोजन हम खा रहे हैं तो बुद्धि कैसे सुधरेगी,
सवाल ही पैदा नहीं होता। संघ दोष का भी यही हाल है। जो जहां अपने घर गृहस्थ में जैसे लगे हुए हैं वैसे लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब विनाश होगा तब हम देख लेंगे। तो जब विनाश होगा फिर समेटना शुरू करेंगे, उस समय तो टाइम ही नहीं मिलेगा। अब बाप आए हैं वो तो इशारा भी दे देते हैं मैंने बंदरों की सेना ली है। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी ये सारी सेना इकट्ठी होकर के प्लानिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल सबका उतना ही उतना हो रहा है जितना प्रैक्टिस में ला रहे हैं। अब प्रैक्टिकल पार्टी का इंतजार हो रहा है, पहली मूर्ति सुनने सुनाने वाली उसको तो 14 साल लग गए प्रत्यक्ष होने में। दूसरी मूर्ति मनन चिंतन मंथन करने वाली उसको प्रत्यक्ष होने में 7 साल लग गए। 69 से लेकर के 76 तक। अभी तीसरी मूर्ति का इंतजार हो रहा है तो सोचते हैं कि 3-4 साल अभी और पड़े हैं, तो इंतजार करने वालों की लिस्ट हो गई। माना जो भी करना है वो दूसरों को करना है, हमें नहीं करना है। लेकिन जो भी परिवर्तन होगा वो इंजीनियर्स के इशारे पर होगा। प्लानिंग पार्टी बहुत दमदार पार्टी है। क्यों? क्योंकि शिव की माला है। क्या? विष्णु वाला देवताओं की माला है और रुद्रमाला शिव की माला है। रुद्रमाला, हाँ जी, रुद्र शिव को कहा जाता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण माला कौन सी हुई? रुद्रमाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लानिंग को प्रैक्टिकल में लाने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरा ही आगे करेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो वही बात हो जाएगी, बाहर वाले ले जावेंगे अंदर वाले रह जावेंगे। बेसिक नॉलेज से आने वाले बाहर वाले हुए ना, है? और जो एडवांस में चल रहे हैं वो अंदर वाले हो गए। बाप के घर में पैदा होने वाले बच्चे हो गए। आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो कोई माता पिता के घर में जाके जन्म लेती है ना, गर्भ में 9 महीने पलती है ना। तो यहाँ भी एक तरफ से अनिश्चय बुद्धि हुए, शरीर छोड़ा, बीके की तरफ से अनिश्चय बुद्धि हुए माना उधर से शरीर छोड़ा, मर गए। और बाप के घर में जाकर के जन्म लिया, जन्म लिया माना 9 दिन गर्भ में पले, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 9, 7 दिन की बच्ची।
कि 7 दिन की भट्टी पूरी होने के बाद निश्चय बुद्धि होकर के निश्चयात्मक बुद्धि से जन्म ले लिए। निश्चय माना जन्म, अनिश्चय माना मृत्यु। तो रुद्रमाला की मड़की बन गए। अब क्या करना है, है? मड़के तो बने लेकिन यहां भी वैरायटी बीज है, सारे ही सूर्यवंशी नहीं है, कोई इस्लामवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है, बौद्धिवंशी भी है, 9-10 वंश भी है। जाना कहाँ तक है? है तो पहले जाना है या बाद में जाना है? पहले। पहले जाने वाले अष्टदेवों के कुल तक पहुंच जाएंगे क्या? अष्टदेव ना, वो तो सूर्यवंश से निकलेंगे, देव होंगे, देवता होंगे, तो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे या कम होंगे? पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे। तो जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे वो तो अटल है, अविनाशी आत्मा है। जैसे बाप अविनाशी है, बच्चे भी अविनाशी है, अनिश्चय नहीं होगा। अगर यहाँ बीच बीच में अनिश्चय पैदा होता रहता है, अपनी आत्मा के ऊपर अनिश्चय पैदा होता है, बाप के ऊपर अनिश्चय पैदा होता है, ड्रामा में अनिश्चय पैदा होता है, इसका मतलब कोई दूसरे वंश के है। जब गीता में लिखा हुआ है कि मैं आकर के ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को देता हूं, तो सूर्य पहले किसको देगा? अपने सूर्यवंशी बच्चों को देगा या सबको देगा? सूर्यवंशी बच्चों को देगा। अभी तो बहुत अलर्ट रहने का टाइम है, पूरे कल्प की बात ही है। चूक गए तो गए काम से। ओम शांति।